हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जावेद हेड में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ पीएचसीक्वल। सो जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और उसी के साथ साथ आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे, आपका ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, एडवांटेज ऑफ पीएल सीक्वल के। सो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सपोर्ट फॉर एसक्यूएल। अब सपोर्ट फॉर एसक्यूएल, इसका एडवांटेज क्यों है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएल सीक्वल एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल। एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीएल सीक्वल फुल्ली सपोर्ट करता है एसक्यूएल की फंक्शनैलिटी को, जो एसक्यूएल की फंक्शनैलिटी है और उनके डेटा टाइप्स को। ठीक है, तो इसलिए इसका जो पहला पॉइंट है वो है सपोर्ट फॉर एसक्यूएल। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स हम आने वाली वीडियोस के अंदर उसको हम हर एक टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे कि ये इसका एडवांटेज है, ये इसका फीचर्स है, उनके बारे में हम रिलेट करेंगे आने वाली जो वीडियो होगी, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सेकेंड पॉइंट है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा एसक्यूएल के अंदर काफी परफॉर्मेंस के इश्यूज आते थे, उसी को ओवरकम करा है पीएल सीक्वल ने। इसलिए पीएल सीक्वल ओरेकल ने ओरेकल लेके आया। ठीक है, सो पीएल सीक्वल रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। सो किस तरीके से करता है उसका एक एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, हर एक हम कोशिश करेंगे हर एक पॉइंट को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम रिलेट कर सके। अगर आप एसक्यूएल पे आप काम करते हो तो आप पीएल सीक्वल पे किस तरीके से आपको वो हेल्प कर सकता है। ठीक है, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप एसक्यूएल के साथ करते हैं, पहली स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करते हैं, देन आप रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो एवरी टाइम यू रिक्वेस्टिंग, आप रिक्वेस्ट करते हो, जाते हो, एक नेटवर्क आप अराइज करते हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, एक नेटवर्क, हर टाइम एक नेटवर्क। सो उससे क्या होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर स्लो हो जाती है। ठीक है, उसी को ओवरकम करा है पीएल सीक्वल ने। किस तरीके से करना है कि पीएल सीक्वल एक पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है एक बार, पूरे का पूरा, एक पूरा इस तरीके से समझते हैं, पूरी के पूरी एक ब्लॉक को एक बाल्टी समझ सकते हो, एक बकेट समझ सकते हो, पूरी एक बकेट गई वहां से, उसके अंदर जो भी चीजें थी उनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, आपको एक पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, इस तरीके से वो नेटवर्क ट्रैफिकिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपकी परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। पीएल सीक्वल आपको अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स कोड लिखने के लिए। ठीक है, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनिपुलेट कर सको। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर क्या होता था, आप हर बार आपको क्या करना होता है, एवरी टाइम आपको कोई लिखना है, कोई भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, तो एवरी टाइम आपको उसको लिखना पड़ता था। बट पीएल सीक्वल में क्या कर सकते हैं, एक सब प्रोग्राम बना सकते हो, आप इसको सेव कर सकते हो, डायरेक्टली उसको रन कर सकते हो। उसके अंदर आप मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो, एसक्यूएल स्टेटमेंट जिसे हम बोल सकते हैं डीएमएल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या कर सकते हो, जैसा कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओरेकल के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, तो जैसे ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स हो गया, ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस हो गया, तो वहां पे आप उस प्रोसीजर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उस फंक्शन को यूज कर सकते हो जो आपने बनाया है। तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। वो कैसे बढ़ी, कि आपने कोई एक फंक्शन बनाया, कोई एक नंबर जनरेट करने के लिए, वो तो नंबर जनरेट करने के लिए आप ओरेकल फॉर्म्स में उसको यूज कर सकते हो, और या कोई आपने ईमेल वैलिडेशन के लिए लगाया तो आप वो ओरेकल फॉर्म्स में यूज कर सकते हो, ओरेकल एप्लीकेशन एक्सप्रेस में भी यूज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो कम होगा, आपके पास ऑलरेडी कुछ चीजें रखी हैं, आप उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो, जिससे हम बोल सकते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। फोर्थ पॉइंट आता है पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी का क्या होता है, पीएल सीक्वल जो कोड है वो इजिली रन हो जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, बस उसके साथ क्या होना चाहिए, ओरेकल डेटाबेस होना चाहिए, तो आप उसके जो कोड है पीएल सीक्वल के वो कहीं भी रन करा सकते हो। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं वो होता है हाई सिक्योरिटी। ठीक है, कोड टेम्पटिंग से बचाता है पीएल सीक्वल का कोड। आप किसको राइट देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, आप एक सब प्रोग्राम बना लेते हो, आप डायरेक्टली बस उसका एक नेम आप यूजर को देते हो, आप यहाँ से
इंटरनली क्या चल रहा है यूजर्स को नहीं पता, ठीक है, डायरेक्ट आप उस या डेवलपर्स को नहीं पता इंटरनली क्या कॉल हो रहा है, अगर उसके पास एक्सेस नहीं है, बस वो उस प्रोसीजर उस सब प्रोग्राम को कॉल कराता है और उसके अंदर क्या और अपना डेटा इंसर्ट कर लेता है या अपडेट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है पीएलसी के बाद। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएलसीक्यूएल किस तरीके से करता है, जैसे कि आपको पता ही होगा उप्स, डिफरेंट डिफरेंट आपने लैंग्वेजेस के अंदर उप्स के कॉन्सेप्ट सुने होंगे, जैसे कि जावा के अंदर आपने सुना होगा, तो क्या सुनो जैसे उसकी प्रॉपर्टीज होती है उप्स की, इनहेरिटेंस एनकैप्सुलेशन, तो इन चीजों को भी पीएलसीक्यूएल यूज करता है। किस तरीके से यूज करता है वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इनहेरिट करता है, किस तरीके से एनकैप्सुलेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो ये हो गया आज के हमारे वीडियो एडवांटेजेस ऑफ पीएलसीक्यूएल के बारे में। सो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे हमारे 20+ लाइक आ जाए, ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है जल्दी से जल्दी इस चैनल पर अपलोड कर सकें। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो भी लोग अभी तक इस वीडियो पर बने हुए, तो इसका जो फुल आर्टिकल है वो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है www.javainet.com पे, आप वहां पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जैसा कि हमने एम दिया है, अगर लाइक जल्दी अपलोड पूरे हो जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी अपने जो नेक्स्ट वीडियो उसको अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।